गोल लगातनी समाचार बटुए वैशाली से बड़ा खबर आ रहा बटुए ब्रेकिंग खबर। वैशाली में वाहन जांच कर रहे पुलिसकर्मी के अपराधी मरले चार गोली, कांस्टेबल के हत्या करे वाला दोनों बदमाश के पुलिस को दिले बिया एनकाउंटर। जी हां, बड़ा खबर, वैशाली में गाड़ी से कूद के भागत रहे लोग, पुलिस एनकाउंटर को दिले बिया। वैशाली में सोमवार के कांस्टेबल के गोली ठोक के हत्या करे वाला बदमाश के पुलिस एनकाउंटर कर दिले बिया। वैशाली एसपी रविरंजन बतैनी कि दोनों बदमाश के पुलिस वाहन से हाजीपुर ले आवल जात रहे, ही दौरान धक्का दे के बदमाश गेट खोलने भागे लगले। पुलिस फायरिंग में दोनों जाना के गोली लागल, अस्पताल ले जाइल गइल, एने डॉक्टर दोनों बदमाश के मुँह घोषित कर दिलन। दोनों अपराधी बैंक से रुपया लेके निकलल कस्टमर से लूटपाट करत रहन, बचावे आई सिपाही के गोली मार के मुआ दिहलें। चारि गोली मरलें सिपाही अमिताभ बच्चन 38 के सीना में 3 गोली लागल रहे। वारदात सराय थाना क्षेत्र के हटुए, वारदात के फुटेज भी आई बटुए जौना में एगो बदमाश भागत दिखाई देता, अमिताभ बच्चन पर फायरिंग करत नजर आ रहा बा। वीडियो में इस सब कुछ कैद हो गए बटुए, दोनों हाथ से गोली चलावत रहन अपराधी। सराय स्टेशन रोड स्थित यूको बैंक से पैसा निकाल के ग्राहक घरे लौटत रहन, तबे घरे लौटे के दौरान अपराधी NH 22 पर सूरज चौक के पास लूटे के प्रयास कैलन। जी हाँ, सूरज वहाँ से ओजा से कुछ दूरी पर पुलिस गाड़ी चेकिंग करत रहे, सिपाही अमिताभ बच्चन के भीड़ पे नज़र पड़ल, उ दौड़ के मौका पे पहुँचले, ही दौरान बदमाश भागे लगलन। एगो बदमाश के पकड़ लिहल गई, दूसरा भागे लागल तो ओकरा के रोके के कोशिश कइल गइल। एह पर दोनों हाथ में पिस्टल लेके गोली चला दिलस, जेकरा कारण पुलिस के गोली चलावे के मौका भी ना मिलल। 3 गोली अमिताभ बच्चन के सीना में लागल, गिर पड़लन। यही दौरान पुलिस के दूसरका जवान भी पहुँचल, आनन फानन में हाजीपुर सदर अस्पताल ले आवल गई, जहाँ डॉक्टर इनका के मुँहल घोषित कर दिले। बता दी कि मुंगेर के रहे वाला रहन अमिताभ बच्चन, वैशाली में मारल गई पुलिस जवान अमिताभ बच्चन मुंगेर के हवेली खड़गपुर अनुमंडल के शामपुर सहायक थाना क्षेत्र स्थित भदौरा गांव के रहे वाला हन। इनका मुँह के खबर से गांव में मातम पसरल बा, परिवार के लोग हाजीपुर खातिर निकल गए बनन। अमिताभ बच्चन के लगभग 7 साल पहले बिहार पुलिस में नियुक्ति भइल रहे, 5 साल पहले इनकर बियाह भइल रहे, इनकर 2 गो लड़का, एगो लड़का एगो लड़की बियाह। जवान मुजफ्फरपुर के तत्कालीन SSP जयंतकांत कुमार के सुरक्षा कार्ड भी रह चुकल बड़न। वैशाली जिला बल में आवे के बाद ई पहिलका पोस्टिंग महुआ थाना में भइल रहे। अमिताभ 2015 बैच के हवन, पड़ोसी सोमनाथ बतैलन कि 15 दिन पहले ही गाँवें आई रहन, समाज के साथ मिल के रहत रहन, इनकर पिता भी बीमार रहन, घर में ही है एगो कमाऊ सदस्य रहन। रउरा सबके बता दी कि अपराधी पो एह बार बिहार पुलिस टूट पड़ल बिया, ई अपराधी भागे के फिराक में रहन, गाड़ी से कूद के दबोचाइल रहन, जेकरा बाद पुलिस एह लोग के एनकाउंटर कर दिले बिया। पुलिस फायरिंग में दोनों अपराधी मर गए बने। जी हाँ, बड़ा खबर निकल के आ रहा बटुए, पुलिस के बड़ा कार्रवाई भइल बटुए, पुलिस एह कार्रवाई में मार गिरेले बिया दोनों गोली चलावे वाला अपराधी लोग के। भोजपुरिया समाचार उरा दर्शक लोग के ब्रेकिंग खबर दे रहा बटुए, वैशाली में पहले पुलिस के ठोकलस हन अपराधी, जेकरा बाद पुलिस ताबातोड़ छापेमारी कैलस, छापेमारी कैला के बाद ई दोनों अपराधी के पुलिस अपना गिरफ्त में ले ले रहे, जेकरा बाद ई लोग के लेके जाई जात रहे, लेकिन ई गाड़ी से कूद के भागे के फेरा में रहे लोग, लेकिन पुलिस जवाबी कार्रवाई कैलस। ऐसे कि अपराधी पहले भी पुलिस के गोली मार दिले बने अमिताभ बच्चन के, जौना से उनकर कहानी खत्म हो चुकल बटुए, जेकरा बाद पुलिस ही जवाबी कार्रवाई कैले बिया। बिहार में अपराधी पनप से करा पहले ही पहला बार इनकाउंटर के बाद निकल के बहुत दिन के बाद सामने आ रहा बा, जहाँ जवाबी कार्रवाई में पुलिस इनकाउंटर कैले बिया दोनों अपराधी के उजे ढेर कर दिले बिया। भोजपुरिया समाचार ब्रेकिंग खबर दे रहा बटुए, रउरा सबके बता दी कि बिहार लगातार अपराध से खौलत रहल हटुए, पुलिस के कुछ फ्री हैंड चाही, जब तक फ्री हैंड ना मिली अपराधी के मनोबल बढ़ल रही, अपराधी जानता रहे कि कुछ वो करब कुछ ना हो, जेल में जाइब फिर निकल आइब फिर वह धंधा शुरू करब, लेकिन अब पुलिस ऐसा अपराधी लोग के ठेठवा दिले बिया। अब किल पारी दू जना के इनकाउंटर भइल बटुए, जगह पर दोनों जना साफ हो गई बा, लोग अस्पताल में ले गई, लेकिन डॉक्टर ही लोग के मुँहल घोषित कर दिले बटुए। भोजपुरिया समाचार
सीधा तस्वीर देखा रहल बटुए। भोजपुरिया समाचार के निगाह एक एक खबर पर बा। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखो तानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।